नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। अभी 4 बजे कैंपस से घर पहुंचा, थोड़ी देर बैठा और उसके बाद जब सोशल मीडिया खोला तो छोटे भाई नीरज की एक वीडियो दिखी। बहुत सारी बातें भाई बता रहा था, बहुत सारे काम भाई बता रहा था, हमारे संगठन के लिए भी बहुत सारी बातें कह रहा था, तो मुझे लगता है उसकी बातों का जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और अंत से भाई की बातों की शुरुआत करते हैं। भाई ने अंत में एक बात कही कि हमने हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, इतनी इतनी मदद करी, बहुत अच्छी बात है, मदद करते रहनी चाहिए। और हम तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानने वाले लोग हैं, सारा विश्व हमारा परिवार है, मानवता की भावना को मानने वाले हम लोग हैं। और अभी तो हमारा संगठन एक नवजात शिशु है, जब हम भी इस काबिल बनेंगे तो हम भी ऐसी मदद करेंगे। तो ये रही इनके जो इनने सबसे लास्ट बात की थी, और इसके बाद इन्होंने कर्म तो अपने बताए, मुझे लगता है कि कुछ एक कांड भी इनके मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात को ज़्यादा दूर नहीं ले जाते हैं, सबसे कुछ दिन पहले की बात कर लेते हैं। राजस्थान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता द्वारा एक बहन के साथ एक रात में 25 बार बलात्कार किया गया, चाकू की नोक पर बलात्कार किया गया, उसका वीडियो बनाया गया, वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई, उससे कहा गया कि मैं संगठन में बड़े पद पर जाने वाला हूं, और यह कहकर उसके साथ उन्होंने बलात्कार किया। ये रही राजस्थान की बात। दूसरी बात कुछ दिन पूर्व की यूपी की ले लेते हैं। यूपी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वीसी ऑफिस में जाकर मारपीट करी गई, पुलिस वालों के साथ जाकर वहां पर मारपीट करी। ये इनके यूपी के कांड। तीसरी बात मुझे लगता है साथियों, कोई पूरा देश नहीं भूला होगा, पूरा प्रदेश नहीं भूला होगा, अभी भी जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, पूरे देश के दिल दहला देने वाली जो घटना थी, बहन अंकिता हत्याकांड। अंकिता हत्याकांड ने देश को झकझोर कर रख दिया था, और उसका भी जो मुख्य आरोपी था वह एबीवीपी का प्रांत का एसएफडी प्रमुख था, भाई पुलकित आर्या। मुझे लगता है कि इसका नाम कोई नहीं भूला होगा, और यह भी एबीवीपी का कार्यकर्ता था, प्रांत का एसएफडी प्रमुख था। मुझे लगता है कि ज़्यादा और कहीं नहीं जाते। अभी कुछ दिन पूर्व हल्द्वानी की बात कर लेते हैं। हल्द्वानी में कुछ दिन पूर्व एक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ की एक बहन है छात्र संघ अध्यक्ष, उनका एक कार्यक्रम था, कोई मंत्री जी भी वहाँ पर उपस्थित थे, तो कार्यक्रम के बीच में भी उनके कार्यकर्ता आए, उन्होंने होल्डिंग फाड़ दिए, बैनर फाड़ दिए, और पूरा कार्यक्रम को तहस नहस कर दिया। ये इनके हल्द्वानी के काम है। ऐसे एक नहीं साथियों, उनके बहुत हजारों काम है, मुझे लगता है कि बताने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी। और सब हटाइए, एक बहुत ही बड़ा नारा लगता है इनके लिए, उज्जैन की गलियां सुनी है, एबीवीपी खूनी है, जब इनके द्वारा एक कमरे में प्रोफेसर की हत्या कर दी गई। इस बात को मुझे लगता है कि शायद कोई भी नहीं भूला होगा। अगर आपको मेरी किसी भी बात पर शक होता है, आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया खोलिए, फेसबुक चेक करिए, यूट्यूब चेक करिए, गूगल चेक करिए, आपको इनके सारे सबूत दिख जाएंगे। ये रहे इनके कांड। और भी बहुत सारे कांड इनके छात्र नेताओं, यहीं के छात्र नेताओं के बहुत सारे कांड हैं, मुझे लगता है कि उनका भी समय आएगा, वो भी आपको बता दिए जाएंगे। दूसरी बात साथियों, ये मेरा भाई जो मुझे सबसे ज़्यादा इस बात ने, जो पुरानी बातें मुझे इतना ज़्यादा दुखी नहीं किया था, जितना मुझे इनकी इस बात ने दुखी किया कि इन्होंने हमारे महादेव के ऊपर टिप्पणी करी। इन्होंने कहा कि आप पूजा करने हिमालय चले जाइए, आप महादेव के ऊपर फूल पत्तियां चढ़ाते रहिए। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये केवल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, आपने भारत के, पूरे प्रदेश के, पूरे देश भर के सनातनियों का अपमान किया है। एक तरफ अपने को सबसे बड़ा सनातनी बताते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप सनातनियों का ऐसा अपमान करते हो। महादेव के भक्तों का ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसका जवाब महादेव के भक्त आपको बहुत जल्दी, पिछली बार भी आपको दिया था, ये महादेव के भक्तों ने आपको जवाब दिया था कि कैंपस से आपको उखाड़ फेंका था, इस बार भी सदा करारा जवाब महादेव के भक्त आपको देंगे और आपको पता चल जाएगा। तीसरी बात साथियों, ये कह रहे थे कि विद्यार्थी परिषद के बिना आपका कोई वजूद नहीं है। साथियों, इनके अंदर एक अहंकार बैठ गया, ये सोचते हैं कि विद्यार्थी परिषद के बिना छात्र समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये छात्र समुदाय का ही वजूद था कि आपको इतने भारी अंतर के साथ इस कैंपस से इन्होंने बाहर फेंक दिया था। और आप बेफिक्र रहिए, जो आपने महादेव के ऊपर टिप्पणी करी है, महादेव के भक्त आपको इस बार ऐसा अपना वजूद दिखाएंगे, ऐसा करारा जवाब आपको देंगे कि आप लोग भूल नहीं पाएंगे। और इस अहंकार के पेड़ से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस अहंकार के पेड़ से नीचे उतरिए, जमीनी हकीकत देखिए अपनी, आप लोग कहीं पर भी नहीं है। आप लोग केवल, आप एक काम करते हैं, बरगलाने वाली भाषा आप करते हैं, आप केवल भावनात्मक मुद्दों पर विद्यार्थी समुदाय को पागल बनाते हैं, वर्ष भर आप लोग कुछ नहीं करते। आप लोग का काम आप देखिए, मैं विद्यार्थी समुदाय से कहना चाहता हूँ, आप इनके देखिए ना सोशल मीडिया हैंडल, आपको पता चल जाएगा ये लोग क्या करते हैं। केवल सरकार की चापलूसी ये लोग करते हैं, केवल जो परिसर के इनके पदाधिकारी हैं, जो इनके संगठन के पदाधिकारी हैं, केवल उनकी चाटुकारिता ये लोग करते हैं, और भावनात्मक रूप से विद्यार्थियों को कमजोर बनाने का ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी परिषद कुछ नहीं करता। विवेकानंद जी, ये लोग स्वामी विवेकानंद जी को जो हमारे आदर्श हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, अगर शायद उनकी विचारधारा अगर असलियत में अपने ऊपर अगर ये फॉलो करते तो मुझे लगता है कि आज बात कुछ और होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल छात्र समुदाय को भटकाने का काम ये लोग करते हैं। और सब बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बातें लोग कहते हैं, ये लोग तब कहाँ थे जब मेडिकल की फीस को 200 गुना बढ़ा दिया गया था, जब यूकेएसएससी मामला हुआ था तब ये लोग कहाँ थे, जब प्रदेश भर के छात्र छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था तब ये लोग कहाँ थे, तब ये चुप थे, क्योंकि ये सरकार के द्वारा किया जा रहा था। ये लोग केवल और केवल सरकार के चापलूसी करने का काम करते हैं, और मुझे लगता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सब कुछ जानते हैं। चौथी बात साथियों, ये लोग कह रहे थे कि टाइगर ग्रुप नाम का एक फर्जी संगठन है, ऐसा वैसा कुछ। तो हाँ, आप सही कह रहे थे, टाइगर ग्रुप नाम का ही हमारा संगठन है, और आप हमारे
कार्य प्रणालियों पर बहुत सारे आप लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, छात्र समुदाय सब कुछ जानता है। 2023 का युवा है, ये सब कुछ जानता है, आपकी असलियत भी जानता है, हमारी असलियत भी जानता है और सभी की असलियत भी ये जानता है। मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। और बात के अंत में एक और बात कहना चाहूँगा, महाभारत के युद्ध में जब कृष्ण जी द्वारा भीष्म पितामह का वध किया गया था, तो उनके द्वारा एक बात उनसे कही गई थी कि आपका कर्म भी मिथ्या है और आपका धर्म भी मिथ्या है। तो मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से, सभी छात्र नेताओं से इनके यही कहना चाहूँगा कि आपके कर्म भी मिथ्या हैं और आपका धर्म भी मिथ्या है। और साथियों, उसके बाद भाई एक और जो उसकी बात अंत में भाई एक बात कह रहा था कि मैं इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये मेरी अंतिम वीडियो है, और भाई तो इन्फ्लुएंसर है। थैंक यू मेरे भाई, छोटे भाई नीरज, कि आपने मुझे इन्फ्लुएंसर कहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं हूँ करके। थैंक यू, दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद भाई। और जो तू कह रहा था कि लास्ट वीडियो नहीं, यार मेरे भाई तू वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, कम से कम इसी बहाने हमारे चेहरे पर हंसी आ जाती है। सुबह से कैंपस में काम करते हैं, थकान हो जाती है, और जब तेरी वीडियो देखते तो थोड़ी चेहरे पर हंसी आ जाती है। वीडियो बनाना मत छोड़ना यार मेरे भाई, अच्छा लगता है उसे देख के। और बाकी ये हमारी बातें थी साथियों, और बाकी आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी झूठी बातों से बचिए, जो ये षड्यंत्रकारी इनकी रणनीति है इससे बचिए, और आपके छात्र हितों में आप काम करिए। आपको छात्र संबंधी, छात्र हितों संबंधी किसी भी तरह की आपको मदद की जरूरत है, हम आपके साथ हैं, हमारा संगठन आपके साथ है, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ है। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।